हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया की ओर से बैठक रखी गई थी, जिसमें एक रिपोर्ट के आधार पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे एक दूसरे की ना तो खिलाफत करें और ना ही सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा बयान दें जिससे पार्टी कमजोर हो। दरअसल बैठक में मीडिया में पार्टी विरोधी बयानों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही संबंध में हरियाणा प्रभारी संज्ञान लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत भी दी गई है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर फीडबैक लिया गया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई है। वहीं बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के साथ कुमारी शैलजा सहित 5 सांसदों और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जुबानी विवाद चल रहा है और दोनों ही सीएम चेहरे को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं। वहीं किरण चौधरी हुड्डा के विरोध में पार्टी छोड़ चुकी हैं। इस मामले में भी हरियाणा प्रभारी ने बैठक रखी, जिसमें राहुल ने टिकट आवंटन का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। बैठक में कहा गया कि पार्टी के प्रति वफादार, मजबूत और जिताऊ चेहरे को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही बैठक में साफ कर दिया गया कि सिफारिश की बजाय सर्वे के आधार पर विधानसभा चुनाव की टिकटें दी जाएंगी। खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सख्त निर्देश दिए कि मीडिया में कोई पार्टी नेता और पार्टी के विरोध बयानबाजी नहीं करेगा और तो और ये तक निर्देश दे दिए कि पार्टी के भीतर की बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। वहीं किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे समय में पार्टी छोड़ने वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए और जिसे पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। बताते चलें कि बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई और सांसदों के साथ साथ विधायकों से भी राय ली गई, जबकि विदेश में होने के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल नहीं हुए। इनके अलावा कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल, शमशेर सिंह गोगी, शकुंतला खटक आदि विधायक मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, जेपी वरुण चौधरी के साथ साथ लोकसभा के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।